आदाब, नमस्कार। मेरी बज़्म में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है एक बार फिर। आज सादत हसन मंटो का दिन है और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उनका अफसाना, जिसका उन्वान है बू। बदबू, खुशबू, सो नीदर बद नॉर खुश, जस्ट बू। अफसाने का अनुवाद है बू, तो सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना बू। बरसात के यही दिन थे, खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगदार पलंग पर जो अब खिड़की के पास से थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिपटी पड़ी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे, और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेज़ी अखबार की सारी खबरें और इश्तहार पढ़ने के बाद कुछ सुनाने के लिए वो बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के बायस बम्बई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो सस्ते दामों मिल जाया करती थी, औरतों की अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती हो गई थी, और उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाज़त थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी अना का सबब तो ये था कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं, और दूसरा ये है कि रणधीर फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महज़ब, तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत नौजवान था। लेकिन उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाज़े बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर और मारूफ क्रिश्चियन छोकरियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की बिना पर वो क्रिश्चियन लड़कियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मालूमात रखता था, जिनसे ये छोकरियाँ फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ़ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हेजल से बदला लेने की खातिर इस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी। हर रोज़ सुबह वर्दी पहनकर अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जावी से जमा कर बाहर निकलती थी, और ऐसे बागपन से चलती थी जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके कदमों में पीछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वो इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज़्यादा मायल है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली अशिया की नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन दूसरी औरत में भी तो ये खासियतें हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था, तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने भीगे हुए कपड़े देखकर ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए, तो रणधीर ने उसे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी,
वो रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी धोती निकाल कर दी, तो उसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था। लहंगा उतार कर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी तंग भिची भिची चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन समटीले गढ़े में छुप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो उसने चोली के दोनों सिरों को दोनों हाथों में पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई और उसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से नुमाया हो गई। लम्हे भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने इस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म गुंधी हुई मिट्टी को बाहर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गोलाई, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुमार के हाथों से निकले हुए ताज़ा बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों में जो बिल्कुल कुमारी थी, एक अजीबो करीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर ये उभार दो दिए मालूम होते थे, जो तालाब के गदले पानी पर चल रहे थे। बरसात के यही दिन थे, खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। उस घाटन लड़की के दोनों कपड़े, जो पानी में शराबोर हो चुके थे, एक गदले ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। उसके नंगे बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में ऐसी हलचल सी पैदा कर रही थी, जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गलीज लेकिन गर्म हमामों में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के साथ गुडमुड हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी कहना सुनना था, सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चूचियां और वो मोटे मोटे गोल दाने जो चारों तरफ एक स्याह दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, उन हवाई झोंकों से जाग उठते और उस घाटन लड़की के पूरे बदन में एक ऐसी सरसराहट पैदा हो जाती कि खुद रणधीर भी कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो उनके मज़े भी खूब जानता था। कई लड़कियों के नरम और नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर वो ऐसी कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल अल्लड़ थी, और उसके साथ लिपट कर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर के कानों के लिए नहीं होती। और ऐसी लड़कियों से भी
جسمانی تعلق قائم کر چکا تھا، جو ساری محنت خود کرتی تھی اور اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی۔ لیکن یہ گھاٹن لڑکی جو املی کے پیڑ کے نیچے بھیگی ہوئی کھڑی تھی اور جسے اس نے اشارے سے اوپر بلا لیا تھا، بالکل مختلف قسم کی لڑکی تھی۔ ساری رات رندھیر کو اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی بو آتی رہی۔ اس بو کو جو بیک وقت خوشبو بھی تھی اور بدبو بھی، وہ ساری رات پیتا رہا۔ اس کی بغلوں سے، اس کی چھاتیوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے پیٹ سے، جسم کے ہر حصے سے یہ جو بدبو تھی اور خوشبو بھی رندھیر کے پورے سراپے میں بس گئی تھی۔ ساری رات وہ سوچتا رہا تھا کہ یہ گھاٹن لڑکی بالکل قریب ہونے پر بھی ہرگز اتنی قریب نہ ہوتی اگر اس کے جسم سے یہ بو نہ اڑتی۔ یہ بو اس کے دل و دماغ کی ہر سلوٹ میں رینگ رہی تھی، اس کے تمام نئے پرانے محسوسات میں رچ گئی تھی۔ اس بو نے اس لڑکی اور اندھیر کو جیسے ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دیا تھا، دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے، ان بے کراں گہرائیوں میں اتر گئے تھے سوری ان بے کراں گہرائیوں میں اتر گئے تھے جہاں پہنچ کر انسان خالص انسانی تسکین سے محظوظ ہوتا ہے، ایسی تسکین جو لمحاتی ہونے پر بھی جاویداں تھی، مسلسل تغیر پذیر ہونے پر بھی مضبوط اور مستحکم تھی۔ دونوں ایک ایسا جواب بن گئے تھے جو آسمان کے نیلے خلا میں مائل پرواز رہنے پر بھی دکھائی دیتا رہے۔ اس بو کو جو اس گھاٹن لڑکی کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، رندھیر بخوبی سمجھتا تھا، لیکن سمجھتے ہوئے بھی وہ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح کبھی مٹی پر پانی چھڑکنے سے سوندھی سوندھی بو نکلتی ہے، لیکن نہیں، وہ بو کچھ اور ہی طرح کی تھی۔ اس میں لیونڈر اور عطر کی آمیزش نہیں تھی، وہ بالکل اصلی تھی، عورت اور مرد کے جسمانی تعلقات کی طرح اصلی اور مقدس۔ رندھیر کو پسینے کی بو سے سخت نفرت تھی۔ نہانے کے بعد وہ ہمیشہ بغلوں وغیرہ میں پاؤڈر چھڑکتا تھا یا کوئی ایسی دوا استعمال کرتا تھا جس سے وہ بدبو جاتی رہے، لیکن تعجب ہے کہ اس نے کئی بار اس گھاٹن لڑکی کی بالوں بھری بغلوں کو چھوما اور اسے بالکل گھن نہیں آئی، بلکہ عجیب قسم کی تسکین کا احساس ہوا۔ رندھیر کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس بو کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، لیکن کسی اور کو نہیں سمجھا سکتا۔ برسات کے یہی دن تھے۔ یوں ہی کھڑکی کے باہر جب اس نے دیکھا تو پیپل کے پتے اسی طرح نہا رہے تھے، ہوا میں سرسراہٹیں اور پھرپھراہٹیں گھلی ہوئی تھیں۔ اندھیرا تھا لیکن اس میں دبی دھندلی سی روشنی سمائی ہوئی تھی، جیسے بارش کی بوندوں کے ہمراہ ستاروں کا ہلکا پھلکا غبار نیچے اتر آیا ہو۔ برسات کے یہی دن تھے جب رندھیر کے اس کمرے میں ساگوان کا صرف ایک ہی پلنگ تھا، لیکن اب اس کے ساتھ سٹا ہوا ایک اور پلنگ بھی تھا اور کونے میں ایک نئی ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ دن یہی برسات کے تھے، موسم بھی بالکل ویسا ہی تھا، بارش کی بوندوں کے ہمراہ ستاروں کی روشنی کا ہلکا ہلکا غبار سا اتر رہا تھا، لیکن فضا میں حنا کے عطر کی تیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دوسرا پلنگ خالی تھا۔
उस पलंग पर रणधीर औंधे मुँह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के झूमते हुए पत्तों पर बारिश की बूंदों का रक्स देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की अपने उड़िया जिस्म को चादर में छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब करीब सो गई थी। उसके सुर्ख रेशमी शलवार और दूसरे पलंग पर पड़ी थी जिसके गहरे सुर्ख रंग के जारबंद का एक फुन्ना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे उतारे हुए कपड़े भी पड़े थे, सुनहरी फूलदार जम्पर, अंगिया, जांगिया और दुपट्टा। सबका रंग सुर्ख था, गहरा सुर्ख, और उन सब में हेना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। लड़की के स्याह बालों में मुकेश के जर्रे धूल के जर्रों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकेश के उन जर्रों ने मिलजुल कर एक अजीब रंग पैदा कर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग। और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की अंगिया ने जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह साफ सफ़ेद थीं, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल मुंडे हुए थे जिसकी वजह से वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर उस लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखाड़ कर इसको लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थीं, तो उसकी पीठ पर और सामने सीने पर नरम नरम गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थीं और कमर के चारों तरफ कसकर बांधे हुए इजारबंद का निशान, वजनी और नुकीले जड़ाऊ नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थीं, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे, पीपल के नरम नरम पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज़ पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसमें हिना के इत्र की तेज़ खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफ़ेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे बदन पर कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थी। उस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज़ सुनी थी, मगर वो आवाज़ कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन की बू में सूंघी थी, वो पुकार जो प्यासे बच्चे के रोने से ज़्यादा मसरूर कुन होती है, वो पुकार जो हल्का ख्वाब से निकल कर बेआवाज़ हो गई थी। रणधीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल ही करीब पीपल के नहाए हुए पत्ते झूम रहे थे और उनकी बस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ मटमैले बादलों में अजीबो किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी। ठीक वैसे ही जैसी उस घाटन के सीने में उसे नजर आती थी, ऐसी रोशनी जो पुरसरार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाजह थी। रणधीर के पहलू में गोरी चिट्टी लड़की जिसका जिस्म दूध और घी में गूंधे हुए आटे की तरह मुलायम था लेटी थी।
اس کے نیند سے ماتے بدن سے حنا کے عطر کی خوشبو آ رہی تھی جو اب تھکی تھکی سی معلوم ہوتی تھی۔ رندھیر کو یہ دم توڑتی اور جنوں کی حد تک پہنچتی ہوئی خوشبو بہت بری معلوم ہوئی۔ اس میں کچھ کھٹاس تھی، ایک عجیب قسم کی کھٹاس جیسے بدہضمی کے ڈکاروں میں ہوتی ہے، اداس، بے رنگ، بے چین۔ رندھیر نے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، جس طرح پھوٹے ہوئے دودھ کے بے رنگ پانی میں سفید مردہ پھٹکیاں تیرنے لگتی ہیں، اسی طرح اس لڑکی کے دودھیا جسم پر خراشیں اور دھبے تیر رہے تھے، اور حنا کے عطر کی ایک اوٹ پٹانگ خوشبو دراصل رندھیر کے دل و دماغ میں وہ بسبو بسی ہوئی تھی جو اس گھاٹن لڑکی کے جسم سے بنا کسی بیرونی کوشش کے خود بخود نکل رہی تھی۔ وہ بو جو حنا کے عطر سے کہیں زیادہ ہلکی پھلکی اور فرحت میں بڈوبی ہوئی تھی، جس میں سونگھے جانے کی کوشش شامل نہیں تھی۔ وہ خود بخود ناک کے راستے سے اندر گھس کر اپنی صحیح منزل پر پہنچ جاتی تھی۔ رندھیر نے آخری کوشش کے طور پر اس لڑکی کے دودھیا جسم پر ہاتھ پھیرا، لیکن اسے کوئی کپکپی محسوس نہ ہوئی۔ اس کی نئی نویلی بیوی جو ایک فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی بیوی تھی، جس نے بی اے تک تعلیم حاصل کی تھی اور جو اپنے کالج کے سینکڑوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، رندھیر کی کسی بھی حس کو چھو نہ سکی۔ وہ حنا کی خوشبو میں اس بو کو تلاش کر رہا تھا جو انہی دنوں میں جب کہ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے بارش میں نہا رہے تھے، اس گھاٹن لڑکی کے میلے بدن سے آتی تھی۔ تو یہ تھی کہانی بو۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں سعادت حسن منٹو کی بہت ہی فحش اوبسین کہانیاں سنا رہا ہوں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ساری دنیا میں ان کا چرچا اسی لیے ہے کہ انہوں نے پاتال کی کہانیاں لکھیں، زندگی کی حقیقت کو جس کے تس آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو حقیقت بری لگتی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ کل پھر آؤں گا۔ نمسکار۔